पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन रहा रेनफॉल का। सबसे अधिक वर्षा जो केवंझर के जोड़ा में 11.4 मिलीमीटर दर्ज की गई है। मिनिमम तापमान फुलवानी में 15.5 डिग्री जो की एम एफ स्टेशन 14.4 डिग्री, हिल स्टेशन कोरापुट में 10.6 डिग्री, भुवनेश्वर में 23.5 और कटक में 22.2 डिग्री दर्ज किया गया। उसके अलावा डेंस फॉग जो है 2 जगह अनुगुल और नयागढ़ में ऑब्जर्व की गई है, जहाँ नयागढ़ में विजिबिलिटी सबसे कम 7 मीटर दर्ज की गई है। उसके बाद 3 जगह गोपालपुर के अंदर बांडुना शैलो टू मॉडरेट फॉग ऑब्जर्व की गई है। ओवरऑल उड़ीसा की बात करें तो जो न्यूनतम तापमान है अभी एप्रिशिएबली अबव नॉर्मल चल रहे हैं, सामान्य से काफी ऊपर चल रहे हैं। फिलहाल उड़ीसा में कोई भी सिग्नल वेदर सिस्टम नहीं है अगले 3 दिन तक, इस वजह से अगले 3 दिन यानी 9 तारीख तक को सूखा वेदर रहने की संभावना है। उसके बाद 10 तारीख को धुआंपाड़ा, बारगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ इन डिस्ट्रिक्ट में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। इसमें 11 तारीख को भी बारगढ़, सोनपुर, बोध, अनुगुल, ढेंका, जाजपुर, संबलपुर, देवगढ़, केवंझर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक इन डिस्ट्रिक्ट में लाइट रेनफॉल होने की संभावना है। 12 तारीख को कंधमाल, बोध, नयागढ़, अनुगुल, ढेंका, कटक, खुर्दा, जाजपुर, केंद्रपाड़ा और भद्रक डिस्ट्रिक्ट में लाइट रेनफॉल होने की संभावना है। 13 तारीख को डे 7 में ड्राई वेदर होने की संभावना है और डे 1 आज जो है शैलो टू मॉडरेट फॉग 1-2 स्थानों पे हो सकती है जिन डिस्ट्रिक्ट में साउथ उड़ीसा में गंजम, गजपति, रायगढ़, कंधमाल और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट शामिल है, यहाँ 1-2 स्थानों पर शैलो टू मॉडरेट फॉग होने की संभावना है। उसके बाद 9 लाख इन मिनिमम टेम्परेचर फॉर नेक्स्ट 2 डे, उसके बाद जो है तापमान धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री तक नीचे गिरेगा ज्यादातर उड़ीसा के हिस्सों में।